एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ और ये प्रोडक्ट स्पेशली वुमेंस हेल्थ से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस प्रोडक्ट का नाम है सांची सहेली। ये एकदम आयुर्वेदिक औषधीय टॉनिक है जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसी प्रोडक्ट का, इसी सिरप का मैं रिव्यू इस वीडियो में देने वाली हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सांची सहेली टॉनिक जो है वो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट है जो कि फीमेल्स के जो भी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन दिनों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे क्योर करने में, उससे मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। फीमेल्स की ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि पीरियड्स के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होते हैं जिनमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मीनोपॉजल अगर कंडीशन होती है या फिर हार्मोनल इंबैलेंस हो रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है, एनजाइटी होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, टायर्डनेस, वीकनेस, यदि आयरन की डिफिशेंसी हो, तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं जो कि स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, तो वो अगर आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे टॉनिक सायरप वगैरह लेते हैं आप, तो उससे जो है काफ़ी कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलता है। बहुत सारी लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन होता है, इनिशियल डेज जो होते हैं उसमें काफ़ी पेन होता है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड डेज में भी काफ़ी पेन होता है। बहुत सारे फीमेल्स जो होती हैं उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, कॉज बहुत सारे होते हैं, कोई भी कॉज हो सकते हैं। तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ टेबलेट्स देते हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद में वापस से वैसे ही होने लगता है। तो वो जो टेबलेट्स आप लेते हैं ना वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं आपकी बॉडी में, वो काफ़ी हेवी होते हैं, काफ़ी उन टेबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को ज़रूर मिलते हैं और फीमेल्स इन बातों को नहीं समझ पाती हैं और वो टेबलेट्स लेती हैं, उन्हें लगता है कि वो क्योर हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम है तो आप उन टेबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री सायरप हर लेडी को लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है बॉडी में, डेली रूटीन की जो काम होते हैं उससे वो काफ़ी टायर्ड हो जाती हैं, घर संभालना, बच्चों को संभालना, उनकी केयर लेना, तो उस दौरान क्या होता है वो न्यूट्रिशन जो उनकी बॉडी को चाहिए होता है वो पूरी तरह से नहीं ले पाती हैं। जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं, जो वेजिटेबल्स से मिलते हैं, जो सैलेड से मिलते हैं, फीमेल्स एकदम अवॉइड करती हैं, ठीक से खाना नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, पीरियड्स के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम होती है, खुद पे ध्यान नहीं देने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उन्हें झेलने पड़ते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जैसे जिनके वेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उन्हें वेट कम करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या चाहिए थिन होती हैं और उनमें भी इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर वेट ज़्यादा है तो उसे कम करिए, अगर कम है तो आप न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से लीजिए। तो ये सब तो एक साइड वे होता है, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी मेडिसिन देते हैं, तो इन बातों का हम ध्यान रखते हैं, कॉज देखते हैं कि किस वजह से आपको इस तरीके की तकलीफें हो रही हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस क्यों हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, तो वो सब क्यों होते हैं, उसके पीछे कॉज होते हैं, कॉज को देखते हैं, उसके बाद में ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट एक अलग बात हो जाती है कि अगर आपको इस तरीके की तकलीफ है तो ट्रीटमेंट क्या देना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एक सायरप लेना ज़रूरी होता है हर फीमेल के लिए, क्योंकि पूरा जो डेली रूटीन में जो हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो हम नहीं लेते हैं। सांची सहेली का एक और बहुत अच्छा उपयोग होता है, जो सांची सहेली जो होता है वो आपकी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे क्लींस करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रभावित हो रहा है वो क्लींस नहीं है, वो उसमें टॉक्सिन्स हैं, तो आपको कभी कभी पिंपल्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि आपके फेस पे आपको नज़र आती है, तो ये टॉक्सिन सिटी की वजह से भी होता है। तो वो जो सांची सहेली होती है वो आपकी बॉडी को क्लींस करता है, उसके टॉक्सिन्स को क्लींस करता है, साथ में आपकी इम्यून पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वीक हैं
हैं, आपकी इम्यून पावर कम है, तो आप किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को जल्दी ले लेते हैं, आप बहुत जल्दी ससेप्टेबल होते हैं किसी भी डिजीज को लेकर। साथ में इनर स्ट्रेंथ जो होती है वुमेन्स की, साँची सहेली वो भी प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए। साँची सहेली 67 नेचुरल हर्ब्स के बहुत अच्छे मैनर्स में उसे मिलाकर बनाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और मेंटेन करता है वुमेन्स की बॉडी को, उन दिनों की जो भी तकलीफ होती है उसे ठीक करने का काम करता है। साँची सहेली में एक टेबलेट्स भी के फॉर्म में भी मिलता है, उसमें भी नेचुरल हर्ब्स ही हैं और इस सायरप में भी नेचुरल हर्ब्स ही हैं। तो अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से बता देती हूँ, आप ये देख लीजिए साँची सहेली। और रह गई कंटेंट की बात, तो ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट है कंटेंट की, देखिए इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, जैसे कि अशोक कांडछाल, दशमूल, चित्रक, मुनफा सॉरी मुनक्का, और फल छिलका, कृष्ण शरीफा, लोधरा, मूसरा, हरिद्रा, मतलब तेज पत्ता, मुलेठी, हल्दी, सौंठ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट को दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 67 जड़ी बूटियों से बना है, महिलाओं के लिए भरोसेमंद आयुर्वेदिक टॉनिक है ये, और इसमें इंडिकेशंस जैसे दिए हुए हैं कि हेल्पफुल इन एब्डोमिनल क्रेम्स, यदि आपको उन पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है एब्डोमिन में, तब ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पेल्विक पेन होता है, अगर आपको भूख ठीक से नहीं लगती है, आप एनीमिया है आपको, क्रैंकीनेस है, यदि आपको बैकएक अक्सर होता रहता है, और आप जब भी इसे लें तो आप किसी फिजिशियन से भी आप सलाह ले सकते हैं कि आपको इसे कैसे लेना है, कब लेना है, फिजिशियन की सलाह से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छे कंटेंट मिले हुए हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। इसका पैकेजिंग कैसी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये ऐसी प्लास्टिक बोतल में आपको मिलेगा, और इसमें ऐसी कैप होती है, इसका आपको 10 ml आपके इस कैप में लेना है, और उसे आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है, 3 टाइम भी आप ले सकते हैं, पर 2 टाइम्स जो है वो सफिशियंट होता है, इसकी 10 ml आपको लेना है। हाँ, 18+ से जो लेडीज़ होती हैं, जो मतलब 18 से जो कम एज की लड़कियां होती हैं उन्हें अवॉइड ही करिए, उसे ना ही लें। 18+ की जो फीमेल्स होती हैं वो इसे ले सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और 18 से भी नीचे की भी लड़कियां ले सकती हैं, पर फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिए बिना फिजिशियन की, क्योंकि आपके ओवरऑल हेल्थ को देख के ही कोई भी चीज़ आपको लेनी चाहिए। और इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो 185 इसकी प्राइस है। इसमें ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है, इस तरीके की टेबलेट्स होती हैं, तो इसकी एक टेबलेट आप दिन में एक बार ले सकते हैं, इसी तरह से 2 टेबलेट्स आपको दिन में 2 बार लेनी है खाना खाने के बाद। जिन लोगों को सायरप पसंद नहीं आते हैं वो इस टेबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सायरप लेने के बाद में थोड़ा सा कुछ अलग ही टेस्ट आता है, तो आप गार्गलिंग कर सकते हैं, फॉलिक एसिड जो होता है उसका वो एक टेस्ट होता है, जो कि थोड़ा पंगटेंट होता है, तो उसको आप गार्गलिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे हम बेनिफिशियल जो इसके बेनिफिट होते हैं उसके बारे में, कि किस तरीके के बेनिफिट्स आपको इस सायरप या साँची सहेली की टेबलेट से आपको मिलते हैं। इट हेल्प्स इन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके जो बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होता है उससे फाइट करने का काम करता है, एंजाइटी को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है, यदि एनीमिया है तो उसे भी मेंटेन करने का, उसे ठीक करने का भी काम करता है। इफेक्टिव टू रिड्यूस द बैक पेन, स्ट्रेस, ये आपके बैक पेन को ठीक करने का काम करता है, आपकी वीकनेस और जो आपकी फटीगनेस होती है, थकावट होती है, उसे भी दूर करने का काम करता है, उसे रिड्यूस करने का काम करता है। इट रिड्यूस द प्रॉब्लम्स लाइक दी मूड स्विंग्स, मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कभी चिड़चिड़ाहट होती है, कभी मन नहीं लगता है, मूड स्विंग्स जो होते हैं फीमेल्स में उसे दूर करने का काम करता है। इनसोम्निया की यदि प्रॉब्लम है, जब नींद नहीं आती है तो उसे भी ठीक करने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लैक ऑफ एपिटाइट होती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, तो उसे भी आपकी भूख को बढ़ाने का काम करता है, और आपकी जो लैक ऑफ एपिटाइट है उसे भी ठीक करने का काम करता है।
मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं उसे ठीक करने का काम करता है। ड्यूरिंग द पीरियड्स आपको जो पेन होता है, एब्डोमिनल क्रेम्स होते हैं, उसे रिड्यूस करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा जो ब्लीडिंग होती है उसे भी ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको उस दौरान जो बॉडी एक होता है, जो बॉडी में पेन होता है, उसे भी क्योर करता है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। ये बात है कि ये जो सायरप है ये मैंने खुद ने नहीं लिया है, ये मैंने अपने पेशेंट्स को दिया है और उनके जो रिव्यूज़ हैं उसको ही मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये हेल्प करता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये किस तरह से आपको ये सायरप जो है हेल्प करता है आपके मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर में, साथ में उसके बेनिफिट्स भी बताए। लेने की विधि मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, उसकी 10 ml आपको दिन में 2 बार लेनी है खाना खाने के बाद, और उसकी टेबलेट्स भी सेम वही वर्क करती है जो कि नेचुरल हर्ब से बनी हुई है। इन टेबलेट्स को भी आप एक सुबह और एक शाम को रात में सोने से ठीक पहले खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। उसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।